हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल होममेड स्टाइल बाय रुचि असीजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बना लेते हैं नई डिश। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है व्यूवर्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ आने वाले बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे आने वाले नोटिफिकेशंस भी वीडियोज़ के आपको मिलते रहें। चलिए बना लेते हैं। हेलो व्यूवर्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो मस्तानी जो कि पुणे की बड़ी फेमस है। ये मैंगो से बनती है तो आज मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे बनानी है। सबसे पहले तो हमें इस तरह के मैंगो चाहिए। ये 350 ग्राम से 400 ग्राम के बीच में आम है, ऐसे हमें आम चाहिए। ये एक ही बहुत बड़ा है, 400 ग्राम का है तो मैंने एक लिया है। अगर छोटी हूँ आपके पास और पीले कलर की होने चाहिए तो दो ले लीजिएगा अगर छोटी हो तो। और ये कुछ मुझे टूटी फ्रूटी और ये 100 ग्राम के लगभग शुगर, ये काजू और बादाम है जिन्हें मैंने टुकड़ों में छोटे छोटे काटना है। कुछ टुकड़े बर्फ़ की हैं और ये आइसक्रीम जो कि मैं दिखाऊंगी ये कैसे डालनी है। और उसके साथ ही हमें चाहिए ये 300 ml दूध, ये तीन जनों के लिए काफ़ी होगी। तो सबसे पहले हमें मैंगो के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है और उसके साथ ही काजू और बादाम को भी काट लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने मैंगो को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और मैंने काजू और बादाम को भी सर्विंग के लिए काट लिया है। तो चलिए मैं बनाती हूँ। इसमें से मुझे थोड़ा सा पोर्शन जो है वो अलग रखना है, 4 चम्मच के करीब छोटे स्कूप्स मैंगो को अलग रखना है 4 चम्मच, और बाकी का मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, लगभग इतना मैंने बचा के रख लिया और बाकी को मैंने इस जार में मिक्सर के डाल लिया है। इसके साथ ही मैं इसमें मैंगो शेक के लिए शुगर ऐड कर रही हूँ। इसी में मैं ये थोड़े से टुकड़े बर्फ़ भी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा मैंगो शेक ठंडा हो जाए। और हाँ दोस्तों, ये मैंने दूध लिया है, ये भी बिल्कुल ठंडा है, फ्रिज में से निकाला हुआ। इसमें ये मिल्क ऐड कर देती हूँ। ये लगभग 400 ml के करीब दूध है। अब मुझे मिक्सी को चलाना है और इसका मैंगो शेक तैयार करना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमें ये थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए, आम मैंगो शेक से ये थोड़ा गाढ़ा है, हमें इसी तरह का चाहिए। दोस्तों सर्व करने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है, आप कोई सा भी फ्लेवर सर्व करने के लिए रोज़ सिरप या रूह अफ़ज़ा वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 2 ग्लासेस ले ली हैं, इसमें मैं मैंगो के टुकड़े जो हमने काट के रखे थे वो मैं डाल लेती हूँ दोनों ग्लासेस में। ये मैंने थोड़े थोड़े टुकड़े इसके अंदर डाल लिए हैं और इसके बाद मैं इसके ऊपर से मैंगो शेक को पोर करूँगी। इसे हमें ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा सा ही भरना है ताकि हम आइसक्रीम और बाकी सामान भी इसके साथ डाल सकें इसके ऊपर से। दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसके साथ ही हमें ये आइसक्रीम लेनी है और इसके ऊपर ऐड करनी है इस तरीके से। ये देखिए मैंने आइसक्रीम इसके ऊपर से ऐड कर ली है और इसके ऊपर मैं मैंगो के पीसेस डाल रही हूँ। ज़्यादा मैंगो नहीं डालना है ये देखिए, क्योंकि हमने पहले नीचे भी डाला है। इस तरीके से मैंगो ऐड कर लिया और इसके ऊपर से मैं डालूँगी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी दोनों ही ग्लासेस में, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती हैं। और इसके साथ ही मैं ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर रही हूँ, काजू और बादाम जो मैंने कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखे हुए थे। ये देखिए अब दोस्तों इसके ऊपर से मुझे डालना है स्ट्रॉबेरी या रोज़ का सिरप। ये देखिए हमारी मैंगो मस्तानी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैंने इसको फुल डेकोरेट कर लिया है। आपको ये मेरी मैंगो मस्तानी कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और मेरी ये रेसिपी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मैंने डेकोरेशन थोड़ी सी कर ली है अपने हिसाब से, आप अपने तरीके से ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स, ताकि दिखने में भी और खाने में दोनों ही तरीके से अच्छी लगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ आने वाले बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।